हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ, जो है जो यूपी टीजीटी पीजीटी जो एंट्रेंस जो कि जिसकी विज्ञप्ति जो है, जैसा कि न्यूज़पेपर में जो है पता लगा था, आप लोगों को भी पता लगा होगा कि नेक्स्ट मंथ में जो इसकी विज्ञप्ति जो जारी होने वाली है, तो जिसका एग्ज़ाम संभवतः नेक्स्ट ईयर मीन्स 2021 में जो है संभावित है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पूरा डिटेल पे ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है इस कोर्सेज में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको जो है। दूसरी बात यह कि कोर्स को आप कैसे परचेज़ करें जो है, टाइम वैलिडिटी क्या है, पेमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए आप जो है। देखिए, सबसे पहली बात, इस कोर्स में हम लोग आपको क्या देने वाले हैं। इस कोर्स में सबसे पहली बात, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इस कोर्स में आपको, ठीक है। पहला चीज़ हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही डिटेल में होगा, पूरे चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा जो है, काफ़ी डिटेल में होगा ये जो है, और पूरे सिलेबस को ये कंप्लीट कवर करेगा, पूरे सिलेबस को आपको कवर करेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दूसरा चीज़ आपको क्या मिलने वाला है, दूसरा चीज़ हम जो आपको देने वाले हैं वो देने वाला चैप्टर वाइज असाइनमेंट देने वाले हैं, PDF ऑफ चैप्टर वाइज असाइनमेंट, ठीक है। चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होगा, ये PDF फॉर्म में होगा। पर चैप्टर आप मान के चलिए लगभग 100 क्वेश्चन की सीट जो है पर चैप्टर जो है आपकी होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, ये पूरा असाइनमेंट जो होता है ना, ये फुल्ली सॉल्व होता है ना, फुल्ली सॉल्व होता है विद शॉर्टकट ट्रिक, मतलब जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक प्रोवाइड करवाया गया है, और जहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है वहाँ पर कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो ये फुल्ली सॉल्वड आपको जो है क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा। तीसरी बात, हम लोग आपको क्या देने वाले हैं, चैप्टर वाइज जो है टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं। और इसकी भी खास बात ये होगी, ये फुल्ली सॉल्वड होगा, है ना, फुल्ली सॉल्वड होगा। और ये भी किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये भी PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसको आप जब वेबसाइट से हमारे देख पाएंगे, वहीं पे वेबसाइट पर आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी मिलेंगे, और आपको जो टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, और टेस्ट सीरीज़ और जो चैप्टर वाइज असाइनमेंट होंगे ये फुल्ली सॉल्व होंगे। जो ये लेक्चर्स होंगे, इसको आप जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जो है, इसको आप इंटरनेट के थ्रू जो देख पाएंगे जो है। दूसरी बात ये है जो है कि जो ये असाइनमेंट है और ये टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप इसको जो फुल्ली जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे जो है, और इसका प्रिंट भी आप ले पाएंगे जो है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो है कि हम लोग आपको जो है इनमें क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये जो हमारा जो असाइनमेंट है ना, बहुत ही जो रिसर्च मटेरियल है जो है, बहुत ही जो रिसर्च करने के बाद इसको बनाया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी शामिल करवाए गए हैं, और बहुत सारे अच्छे न्यू क्वेश्चंस, और जो दूसरे स्टेट के जो TGT PGT में जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड करवाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पढ़ने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका नोट्स बनाना चाहिए तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद जो लेक्चर, एक चैप्टर का जो लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में लग जाना चाहिए। असाइनमेंट को आपको सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद जो है, अगर आपको जो है सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया है, तो सोल्यूशन भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो जब चैप्टर का आपने असाइनमेंट कर लिया, तो आपको टेस्ट सीरीज़ जो है करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको टाइम बाउंडेड होता है, आपको जो यही टेस्ट सीरीज़ जो है आपकी एग्ज़ाम में क्या करती है, स्पीड को आपके इंक्रीज करता है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप लगाने के बाद जो है चैप्टर में फुल्ली जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और इस तरीके से जो आपकी तैयारी एक सही दिशा में जो है चलेगी, ठीक है। तो अब तो ये सारी चीज़ें हम लोग देंगे, और ये जो कोर्स हमारा होगा जो है ना, इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ्स की होगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो कितने मंथ्स की होगी, वैलिडिटी का मतलब ये होता है 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगी इसकी, ठीक है। तो इस वैलिडिटी का मतलब ये है कि 6 मंथ तक आप जो है वीडियोज जो देख पाएंगे, और उसके बाद जो ये वीडियो जो एक्सपायर हो जाएंगे, इसके बाद आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि इन वीडियोस को जो जब भी आप देखते हैं, तो उसी समय अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसका नोट्स भी आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूज़र होता है ये, जो भी वीडियोज़ होते हैं ये सारी चीज़ें सिंगल यूज़र होती हैं, मतलब ये है कि आप इसको एक डिवाइस पर देख पाएंगे। एक डिवाइस पे का मतलब ये होता है, चाहे तो आप इसको मोबाइल पे देख लीजिए, चाहे आप इसको टैबलेट पे देख लीजिए, चाहे इसको लैपटॉप पे देख लीजिए, चाहे आप डेस्कटॉप पे देख लीजिए, बट एट ए टाइम आप इसको एक डिवाइस पे देख पाएंगे। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल डिवाइस पे ये चलेगा,
ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई जो है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देने वाले हैं, वैलिडिटी कोर्स की क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या देने वाले हैं। अब बात आती है कि आप इस कोर्स को परचेज़ कैसे करें। इसके लिए मैं आपको जो है ना ले चलता हूँ, जो है सीधे मैं गूगल खोलता हूँ। आप देखिए हम लोग गूगल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है इसमें आयुष्मान क्लासेस, यहाँ टाइप करना है गूगल में आप AYUSHMANCLASSES आयुष्मान क्लासेस आप टाइप करेंगे तो ऊपर ही देखिए आपका आ जाएगा आयुष्मान क्लासेस। इसको आपको क्लिक करना है, देखिए फर्स्ट नंबर पे ही देखिए यहाँ पे आयुष्मान क्लासेस आपको दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आप वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन आब्लिक रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा, देखिए राइट हैंड साइड में लॉगिन आब्लिक रजिस्टर का एक कॉलम है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। चूँकि मैं इस पर पहले ही साइन इन कर चुका हूँ इसलिए ये साइन इन कह रहा है। जब आप भी एक बार साइन इन कर लेंगे तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप पहली बार जब जा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, ठीक है, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर नेम का कॉलम है, फिर ईमेल आईडी है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर आपका एड्रेस है, फिर यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, तो नेम ईमेल आईडी और ये सब तो आप डाल ही लेंगे, मोबाइल नंबर डाल ही लेंगे आप जो है। इसके बाद जो है देखिए ये जो यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम अंकित है तो आप चाहे तो ANKIT Ankit 567 मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। Ankit 567 जैसे एक सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यूजर नेम आपने Ankit 567 बना लिया। अब पासवर्ड में आपको डालना है तो पासवर्ड जैसे मैं कोई एक रैंडम पासवर्ड जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया 654321 ऐसा कुछ मैंने डाल दिया। मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए, 6 करेक्टर का होना चाहिए। और जो पास यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हैं पासवर्ड में जो है नंबर, और आपको बेहतर होगा जैसे आपने मान लीजिए डाल दिया Ravi54, मान लीजिए आपने डाल दिया रवि, पासवर्ड में डाल दिया रवि और 5678 ऐसा कुछ डाल दिया आपने, या नीचे कन्फर्म पासवर्ड भी होगा तो आपको वहाँ पे भी रवि जो आपने ऊपर डाला हुआ है Ravi567, ठीक है, जो भी आपने ऊपर डाला हुआ है उसको आप डालेंगे। इसके बाद रजिस्टर का बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो जब आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चूँकि मैं ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मैं सीधे साइन इन का बटन दबाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइन इन देखिए मैं दबा रहा हूँ, साइन इन का बटन मैंने क्लिक किया, अब सीधे आप इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है परचेज न्यू कोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ परचेज न्यू कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक बटन है, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कोर्सेज जो सारे दिखेंगे। अब जैसे आपको मान लिया कि UPTGT का जो कोर्स खरीदना है, ठीक है, तो UPTGT पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो देखिए कुछ यहाँ पे खुल के आएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखेंगी, यहाँ पे एक तो दिखेगा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, और दूसरा आपको दिखेगा अकाउंट डिटेल्स दिखेगा। ठीक है, तो जैसे अकाउंट डिटेल्स देखिए किसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है सपोज़ पेटीएम आप नहीं करते हैं, आप गूगल पे अगर नहीं करते हैं, आप UPI से पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट डिटेल दिया हुआ है तो इस अकाउंट में जो है आप किसी भी माध्यम से, चाहे तो आप बैंक में जाके जो है या किसी अपने मित्र के हेल्प से या जैसे भी हो, जो आप इस अकाउंट में जो है ये पेमेंट जो भी है आपका जो है मेंशन है उसको पेमेंट करवा के एक जो है उसका स्क्रीनशॉट जो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भेज देंगे तो आपका कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हैं, इसके बाद आप जाइए पे पर जाइए, पे पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पेटीएम का ऑप्शन यहाँ पे है, पेटीएम में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। दूसरा देखिए UPI का ऑप्शन है, ठीक है, आपको अगर UPI से आप पेमेंट करना जानते हैं तो UPI से आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे जो है, और उसके बाद एक फी रिसिप्ट आपका जो है जनरेट हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस होगा, वो फी रिसिप्ट जो है आपको हमारे जो है जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 812, नोट कर लीजिए आप 812-861-8579, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके जो आपकी फी रिसिप्ट है उसको आपको जो यहाँ पे भेजना है, उसके बाद तुरंत आपका कोर्स हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा और भी कोई क्वेरी आपको होगी, कोई आपको जिज्ञासा होगी, पेमेंट करने में कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप यहां से जो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप गूगल पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गूगल पे पेटीएम आजकल ज़्यादातर फ्रिक्वेंट यही चलता है कि लोग गूगल पे करते हैं, तो मेरा गूगल पे नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल पे हमारा नंबर है जो यही है जो रजिस्टर्ड नंबर है 812-861-8579, ठीक है,
ये हमारा गूगल पे नंबर है, और अगर पेटीएम आप वहाँ से कर सकते हैं तो गूगल पे पेटीएम का मैंने ऑप्शन बता दिया। इसके अलावा अगर आप ये गूगल पे पेटीएम ये दोनों नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है, ब्रांच का नेम भी लिखा हुआ है और अकाउंट का नंबर लिखा हुआ। तो ये तीन चीज़ें ही जरूरत पड़ती है जो डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। तो डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट जो है आपको इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपको जो है एक स्क्रीनशॉट उसका जो भेज देंगे तो आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रही जो है आपको जो कोर्स कैसे परचेज़ करना है, कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है जल्दी से जो है इसको रजिस्टर करके जो है कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो है सीट यहाँ पर जो है लिमिटेड नंबर, क्योंकि वेबसाइट पर जो हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस जो है फिक्स्ड होता है इसका जो है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर लिया जा सकता है। तो जो भी आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जो है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप कोर्स में जल्दी से इनरोल हो लीजिए। इसके अलावा देखिए कैंडिडेट की एक और क्वेरीज होती है कि सर जो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे तो हमारे जो क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए हम आपको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको जोड़ देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। देखिए पहली बात ये है कि जब हम आपको जो असाइनमेंट जो फुल्ली साल दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज फुल्ली साल दे रहे हैं और लेक्चर्स जो बहुत ही डिटेल में आपको मिलेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा आपके जो कोई पर्सनल डाउट्स है तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर मोर देन 500 ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे आपको अपना समाधान मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जो है, जो मेरा व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है आप अपने डाउट्स को जो पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका सोल्यूशन जो है 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी तरीके से जो आपकी हेल्प हो जाएगी जो है, और कंप्लीट आपके जो जितनी समस्याएं हैं वो सारा समाधान हो जाएगा। टेस्ट वगैरह आप देते रहेंगे बराबर जो है, टाइम बाउंडेड टेस्ट होगा तो उससे जो आपका स्पीड में भी जो काफ़ी इंक्रीज आ जाएगा। इसके बाद जो है और भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके जो है और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।